हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। तो आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जो नैनो यूरिया के बारे में है, और मैं इस नैनो यूरिया का अपने फसल में ये तीसरा स्प्रे है मैंने किया हूँ, ये लास्ट स्प्रे है, और इसका रिजल्ट वाली वीडियो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, पूरा ए टू जेड जानकारी और कौन से फंगिसाइड के साथ इसका स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो फंगिसाइड मिलाने से ये दवा फटता है या नहीं फटता है, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें और पूरी ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, 1 लीटर पानी के लिए 4 ml पर्याप्त है। 16 लीटर का जो टंकी आता है स्प्रे मशीन में, उस मशीन में 60 ml या 64 ml आप नैनो यूरिया मिला में दवा मिला रहा हूँ। ये दवा जो है फल फूल की संख्या में वृद्धि करता है। इसका मात्रा जो है 2 ml जो है 1 लीटर के लिए पर्याप्त है। तो ये फल फूल बढ़ाने के लिए है, क्योंकि मेरा फसल फल फूल के अवस्था में आ चुका है। मैं ये दवा इसकी नैनो यूरिया का जो घोल है इसके साथ मिला करके मैं साथ में ही स्प्रे करूँगा, तो इससे मेरा मेहनत बच जाएगा। और इसके साथ मैं जो प्लांट बूस्टर टॉनिक उसका प्रयोग कर रहा हूँ, इससे फल फूल जो लगेगा वो गिरेगा नहीं और पौधे का भी विकास अच्छा रहेगा। तो किसान भाइयों, ये दवा मिलाने के बाद तो ये फटा तो नहीं है, लेकिन एक दवा जो है उसके साथ जब इसका मिलान करता हूँ तो पूरी दवा फट जाता है। तो किसान भाइयों, पाउडर फॉर्म में जो भी दवा आता है, जैसे मैनको जैब करवेंडा जैम जैसे सफल हो गया, पाउडर फॉर्म में जो भी दवा आता है उसके साथ मिला के नैनो यूरिया का दवा ना बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका दवा पूरी फट जाएगा और उसका घोल आपका सही नहीं बनेगा। लिक्विड वाली दवा है उसके साथ आप मिला करके नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि नैनो यूरिया का स्प्रे अलग से करेंगे और दवा का स्प्रे अलग से करेंगे तो इसमें मेहनत ज़्यादा लग जाता है और समय भी, तो इसका बचत हो जाएगा। लेकिन जैसे आपका पाउडर फॉर्म की दवा होगा उसके साथ आप मिला के इसका स्प्रे ना करें। तो ये मेरे खेत में ये तीसरा स्प्रे है नैनो यूरिया का, ये लास्ट स्प्रे है, क्योंकि मेरे जो मटर का खेत है इसमें ये तीसरा स्प्रे हुआ है और इसका फल फूल की अवस्था बन चुका है। तो किसान भाइयों, जो फल फूल की अवस्था इस आने से 1 हफ्ता पहले आप नैनो यूरिया का स्प्रे देना बंद कर दें। आप किसी भी फसल में 2 से 3 स्प्रे करेंगे नैनो यूरिया का तो इसका रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब आपका फल फूल का अवस्था बनने लगे तो नैनो यूरिया का स्प्रे बंद कर दें। नैनो यूरिया का स्प्रे किसी भी फसल में कर सकते हैं, जैसे धान, गेहूं, मटर, आलू, बैंगन, गोभी, प्याज, मिर्च, किसी भी फसल में इसका स्प्रे करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो किसान भाइयों, ये 1 हफ्ते बाद की रिजल्ट वाली वीडियो है, तो आप देख सकते हो कि हमारे मटर में फल फूल की संख्या बढ़ने लगा है और पौधे का विकास भी बहुत अच्छा हुआ है और इसके जो कल्ले भी अच्छे निकले हैं, और मेरा फसल जो है मटर का बहुत अच्छा है, इसका तना भी मोटा है, आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। ये रिजल्ट वाली फुटेज है, मेरे 3 स्प्रे मैंने इसमें नैनो यूरिया का किया था, तो देखिए तना भी बहुत अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा मिला है नैनो यूरिया के स्प्रे से। तो इस तरह आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करके अपने ज़मीन को बंजर होने से ज़रूर बचाएं और नैनो यूरिया का इस्तेमाल
किसान भाइयों जरूर करें। तो किसान भाइयों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों आपको धन्यवाद। मैं एक किसान हूँ और मैं अपने खेतों में जो यूज करता हूँ उसी का ही वीडियो बनाता हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें।